अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक दैट इज कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी। एंड फॉर द कॉन्ग्रेंसी इट मीन्स दैट सेम शेप एंड सेम साइज। अगर हम कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ये एग्जाम्पल आपने रखना है कि अगर आपके पास दो शेप्स हैं, इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज दे आर कॉन्ग्रेंट, और अगर इसमें सिर्फ आपके पास सेम शेप है बट द डिफरेंट साइज, अगर साइज उसका डिफरेंट आपके पास आ रहा है तो उसको हम कहेंगे ये आपके पास वो सिमिलैरिटी आपके पास आ जाएगी। और नेक्स्ट वन इज अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली इसमें कुछ केसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हमें रखिएगा कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें तीन साइड्स होती हैं और तीन आपके पास एंगल्स होते हैं और इसमें टोटल सिक्स पार्ट होते हैं। और नेक्स्ट इज केसेस इसमें हैं कुछ हमारे पास कि केसेस की जब हम बात करेंगे तो केसेस में चार केसेस हम डिस्कस करते हैं। एस 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 अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं उनकी तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसी तरह एस एस मीन्स अगर आपके पास कोई सी दो साइड्स हैं और एक इंक्लूडेड एंगल है उसका तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास एस एस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। और थर्ड वन इज दैट इज ए ए एस, टू एंगल्स एंड वन साइड। ठीक है जी, और जो फोर्थ वन है दैट इज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। अगर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो आर एच एस प्रॉपर्टी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो आर एच प्रॉपर्टी में जब हम इसको डिस्कस करेंगे सो दैट विल बी